आज मैं आपके लिए व्रत स्पेशल चटनी लेकर आई हूँ, धनिया की चटनी और नारियल की चटनी। तो ये चटनी कैसे बनाई जाती है, चलिए ये देख लेते हैं। तो दो टाइप की चटनी में मैंने एक धनिया चटनी बनानी है और एक नारियल की चटनी बनानी है, जिसके लिए मैंने ये धनिया लिया है। धनिया को मैंने बहुत प्रॉपरली वॉश कर लिया है और ये है नारियल। नारियल को मैंने थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया था पानी में ताकि ये इजिली ग्राइंड हो जाए। और ये है दही और ये है करी पत्ता। और तड़के के लिए मैंने ये खड़ी राजमिर्च ली है और इसमें जो कि मैं सेंधा नमक डालूंगी क्योंकि व्रत की चटनी मैं बना रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है नींबू का रस, जीरा पाउडर भुना हुआ और थोड़े से अदरक और हरी मिर्च। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम धनिया को कट कर लेंगे। रफली चॉप करना है क्योंकि इसको ग्राइंड ही होना है। एंड अब इसकी हाफ धनिया मैं हरी चटनी के लिए यूज करूंगी। अब मैंने इसमें धनिया डाल दिया। थोड़ा सा जीरा पाउडर, अदरक, लेमन जूस, एंड ये सेंधा नमक। सेंधा नमक की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च और इसमें मैं थोड़ा सा दही भी ऐड करूंगी। दही ऐड करने से टेस्ट भी काफी अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। दही ऑप्शनल है, आपका नहीं मन है तो आप मत डालिएगा। और बस इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। ये देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर आ गया और कितनी जल्दी ये चटनी बन गई है। तो चलिए अब हम नारियल की चटनी बनाते हैं। नारियल चॉप हो गए हैं, अब इसमें बहुत थोड़ी सी मैं धनिया भी डालूंगी। बहुत ज्यादा धनिया नहीं डालना है क्योंकि धनिया की चटनी नहीं है, नारियल की चटनी है। और इसमें मैं थोड़ा सा करी पत्ता भी डालूंगी। करी पत्ता डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। और लेमन जूस, अदरक, थोड़ी से जीरा पाउडर भुना हुआ एंड ये रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। याद रखिएगा व्रत का है तो सेंधा नमक ही आपको डालना है। और हरी मिर्च, इसमें भी हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और बस इसको ग्राइंड कर देंगे। आप ये देखिए बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। कितनी अच्छी नारियल की चटनी रेडी हो गई बहुत ही जल्दी। तो ये देखिए हमारी धनिया की चटनी और नारियल की चटनी रेडी है। बट अभी नारियल की चटनी में हम लोग तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए सबसे पहले घी लिया, खड़ी लाल मिर्च, करी पत्ता और इसको चटकने देंगे थोड़ी देर। आप इसमें तेल डाल सकते हैं, सफेद तेल, सेसमे सीड। इसमें तड़का लगा देंगे। तो इन दोनों चटनी को आप जरूर ट्राई करिएगा जब आपका फास्ट हो, क्योंकि फास्ट के टाइम में ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि बहुत ही थोड़ा सा फीका खाना होता है, तो अगर उसमें थोड़ी सी चटनी हो तो उस खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।